फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मियों में लस्सी किसे पसंद नहीं है, तो आज हम लस्सी ही बनाएंगे। एकदम ठंडी ठंडी लस्सी और बहुत ही स्वादिष्ट, रेस्टोरेंट में जैसी बनाई जाती है ऐसे ही हम घर पर बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में यहाँ पर मैंने फ्रेश दही ले ली है। दही फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है, लगभग 200 ग्राम के करीब है। इसे मैं एक जार में डालूंगी। देखिए, मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दी है, तो इसे विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं। देखिए, ये विस्कर है, इसकी मदद से आप इसे फेंट सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सी के जार में ही फेंट कर बनाऊँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने शुगर डाला है। शुगर आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2-3 बर्फ के पीसेस डाले हैं यहाँ पर मैंने ठंडाई के लिए, और बस इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ग्राइंड हो चुका है, अच्छे झाग आ गए हैं और लस्सी अच्छी तरह फिट चुकी है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करें, मैंने यहाँ चीनी मिट्टी का बर्तन लिया है। अब यहीं पर मैं डालूंगी हैश मलाई 2-3 टेबल स्पून। मलाई डालकर इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, तो मलाई डालना बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड्स। तो लीजिए, एकदम ठंडी ठंडी हमारी रेस्टोरेंट जैसी लस्सी बनकर तैयार है। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जब भी घर में आए हों मेहमान, तो जल्दी से बढ़िया सी लस्सी बनाकर उन्हें पिलाइए। आप भी खुश और वो भी खुश। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।